I'm talking to Ali Mirza in Hyderabad. My name is Amarjot Singh. And Ali, हम इसको कन्वर्सेशन को हम हिंदी में करें इंग्लिश में रखें, क्योंकि कई बार लोग हमसे ये पूछते हैं कि आप इंग्लिश में क्यों बात करते हो, हमें हिंदी में चाहिए. और जो पंजाबी लोग होते हैं कहते हैं पंजाबी में बोलो, जो कैनेडियन लोग होते हैं कहेंगे दिस इज़ इंग्लिश, यू नो, हमें इंग्लिश में बताओ, क्योंकि बाकी लोग समझ नहीं पाते. बड़ी ये दुविधा हो जाती है कि किस में करें. सो वी शुड कंटिन्यू राइट नाउ इन इंग्लिश और देखते हैं फिर आगे कैसा होता है. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना था आपको कि आई हैव योर परमिशन टू टॉक टू यू पब्लिकली बिकॉज यू आर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट योर एलिजिबिलिटी एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड यू नो द योर गो टू कनाडा. Sometimes we want to keep it private, but you have no problem and, you know, we can talk this publicly, correct? Absolutely, yes. Good, thank you. So, jo aapne mere ko bataya hai, let me just summarize what you have and then you can tell me if I'm wrong. So, yeah. you and your wife were working in Dubai for long years and then you came back last year before COVID. Yeah. You are here in India for at least one year. You are not working. You are self-employed. You have rental income properties. You are okay, but you are not working. You have a BBA and your wife has a BBA as well. And pretty much no corporate experience recently in India for sure. Well, your wife has zero experience. You had some experience in Dubai, but you don't have any experience of working here in India. And She's 24 and you are, how old are you? 30. You are 30, okay. And you have traveled to many countries, including in Europe and other places through hospitality, cruise and stuff. So you have seen many countries and now you are determined to Canada. Aur aapko PA Canada mein settle hona. Itna sab theek hai? Yahan tak theek hai? Ji, ji, bilkul theek hai. Aur abhi isi beech mein aapke wife ko जो जिसके पास BBA है डिस्टेंस एजुकेशन से और जिसकी उम्र है 24 इयर्स और जिसने काम नहीं किया अभी कोई सी कंपनी वाला में, कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसका, और उसने BBA किया किस साल में, किया था BBA, किया था 2020 में, सॉरी, राइट, पास आउट, यस, पास आउट 2020, हाँ, तो उसके पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उसको एक जॉब, सॉरी जॉब नहीं, एजुकेशन ऑफर आया लैम्पटन कॉलेज से कि भाई आप डिप्लोमा इन एचआर मैनेजमेंट कर लें और शी इज़ एक्साइटेड कि ठीक है हमें स्टडी वीज़ा मिल जाएगा और वगैरह वगैरह, मैं जाके वहाँ पर PR बन जाऊँगी और यू नो दोस्तों. सो इज दिस ऑल द समरी ऑफ योर क्वेश्चंस, राइट? यस. अब मैंने जो आपको आंसर देना है और मैं आपके आगे दूंगा वो ये है, मेरी जो ओपिनियन है, देखिए इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स लॉयर्स का एक काम है पैसा कमाना जैसे हर एक बिजनेसमैन का होता है. तो मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप फाइल मेरे से लगवाएं, आई होप कि मेरे से लगवाएं तो आई गेट द मनी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई केयर अबाउट इज ऑनेस्टी एंड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ फैक्ट्स, कि भाई सच्चाई क्या है, कि आपको करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए. तो मैंने आपको ये बताना है कि अभी वो, और वाइफ के बेस पे आप कह रहे हो कि स्टडी वीज़ा लगाना है, तो मेरे को ये लगता है कि शी इज़ नॉट इन द राइट स्टेज एंड एज ऑफ हर लाइफ राइट नाउ टू गो फॉर अ स्टडी वीज़ा. उसके तीन रीज़न मैंने आपको बताए हैं और इसके बारे में मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूँ जिससे कि लोग मेरी बात सुने, और अगर उनको डिसएग्रीमेंट हो सकता है दैट्स फाइन, आई डोंट केयर, बट जो मेरा ओपिनियन है विच आई स्टैंड बाय. तो नंबर वन ये है कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिंदगी का, लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. शी इज़ ऑलरेडी 24, शी हैज़ अ BBA, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है. उसने ऐसे ही चलते फिरते HR में एडमिशन ले लिया. My feeling is maybe HR is not the right field for her, right? तो हो सकता है कि इस कोर्स को करे, बाद में वो पछताए कि ये कोर्स मैंने क्यों किया वगैरह किया. उसका मेन मकसद तो है कनाडा पहुंचना, आई अंडरस्टैंड, और स्टडी वीज़ा मिल जाएगा तो बाद में भी चेंज कर सकती है, कुछ और कर सकती है, that's okay. पर मेरे को लगता है कि HR मैनेजमेंट may not click for her. उसको एक्सपीरियंस चाहिए अभी इंडिया में कुछ काम करने का, कोई कॉर्पोरेट सेल्स है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कुछ काम करें जिससे उसे पता चले कि व्हाट इज अ यू नो फ्यूचर फील्ड. दैट इज माय फर्स्ट ऑब्जेक्शन टू अवर प्लान्स. द सेकंड इज जिस कॉलेज में जा रही है वो लैम्पटन कॉलेज जा रही है, ये छोटे छोटे कॉलेज है, जूनियर कॉलेज है, दे डोंट हैव वेरी मच हाई स्टैंडर्ड. इफ आई मे से, हो सकता है कि लैम्पटन कॉलेज से मेरी बात कोई सुन रहा वो एग्री मेरे से ना करें, पर मैं समझता हूँ कि कॉलेजेस का जो इवेल्यूएशन स्टैंडर्ड है और जो एडमिशन क्राइटेरिया है विच इज़ वेरी लोअर दैन मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ एंड टॉप ग्रेड बिजनेस स्कूल्स. अगर इसके पास ऑलरेडी BBA है और इसको अगर MBA करना है
तो इसको एमबीए करे, एमबीए करे अच्छी यूनिवर्सिटी में करे, किसी और अच्छी भी नहीं, एटलीस्ट कुछ यूनिवर्सिटी से तो करे एमबीए। तो एमबीए का जो क्राइटेरिया होगा वो तो डेफिनेटली बीबीए से इस जो लैम्पटन कॉलेज से ज़्यादा होगा। तो मेरी एडवाइस सेकंड थी कि इसको अगर आपको पढ़ना ही है तो भाई तुम एमबीए कर लो, एमबीए में एडमिशन ले लो, अच्छी यूनिवर्सिटी में ले लो एडमिशन, अच्छी में मिलता है तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में लो, क्योंकि हो सकता है कि अच्छी अच्छी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, बीसी यूबीसी है, वो लोग डिमांड करें कि फोर ईयर डिग्री लाओ, अपना जीपीए इतना होना चाहिए वगैरह, महंगी भी हो सकती है। तो अगर नहीं मिलता तो किसी छोटे लेवल की यूनिवर्सिटी में जाए। तो ये तो दूसरा मेरा ऑब्जेक्शन था। तीसरा मेरा ऑब्जेक्शन ये भी है कि इसके पास जो अभी इंडिया में रह रही है और बाहर से आई हैं, दुबई से आई हैं, लेकिन इसकी जो टाइज टू कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कंट्री ऑफ जो इनका सिटीजनशिप है, वो है नहीं, क्योंकि शी हैज़ नो इनकम। यू हैव सम पैसिव इनकम, बोथ यू एंड शी हैज़ सम पैसिव इनकम, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हाउ मच, बट यू हैव अ गुड इनकम ऑफ रेंटल इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट, पर दिस इज नॉट, यू नो, दिस इनकम कैन कंटिन्यू इवन इफ यू आर नॉट लिविंग हियर और गो टू सम अदर कंट्री, सो दिस इज नॉट योर सॉलिड टाइज टू द कंट्री ऑफ रेजिडेंस विच यू कैन शो द वीजा ऑफिसर कि इसको लेकर आप वापस आओगे। तो इस तीन रीजन करके मैं नहीं चाहता कि ये अभी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करे। और मेरे को लगता है कि स्टूडेंट वीज़ा अगर इस कॉलेज में इस वक्त और इस सर्कमस्टेंसेस में करेगी तो स्टूडेंट वीज़ा मिलने के चांसेस इसके बहुत ही लो मैं समझता हूँ। सो दैट इज़ माई एनालिटिकल, यू नो, कंक्लूजन ऑन जो उसकी क्वेरी है। और चौथी बात मैंने इसको ये भी कहनी है कि अभी आपकी एज 24 है, करेक्ट, और अगर आपको पीआर बनना है कनाडा में तो एक्सप्रेस एंट्री अभी चल रहा है, अभी चलता भी रहेगा कुछ टाइम तक, तो एक्सप्रेस एंट्री करने के लिए 29-30 इज द गुड एज, टिल 29-30 इज अ वेरी गुड एज, बिकॉज टिल 29 यू कैन मैक्सिमाइज योर पॉइंट्स। तो अभी तो एज ही 24 है, तो आप इंडिया में ही रहकर अगर 3-4 लाख देकर आप एडमिशन लेकर यहीं से एमबीए कर लो, एमबीए करने के बाद अगर आपने 26 साल तक भी एमबीए किया और उसके बाद अगर आपने 3-4 साल टू ईयर्स भी काम किया, तब तक आपकी एज 29-30 तक पहुंच जाएगी, तब भी आप एक्सप्रेस एंट्री कर लेना। जरूरी है कि हम 20-25 लाख रुपए लगा कर बाहर से एक कैनेडा में जाके एक एजुकेशन करें, और उसी उससे बेटर एजुकेशन जो उनके कॉलेज के जो 2 या 2 साल के डिप्लोमा आप सोच रहे थे एचआर करने का, उससे बेटर एक एमबीए डिग्री आप इंडिया में कर सकते हो 3-4 लाख की, एंड व्हाटएवर, आई डोंट नो कि कितना आजकल कॉस्ट है एमबीए का, ट्यूशन फीस का, अमेरिका 3-4 लाख में तो एमबीए हो जानी चाहिए शायद, कि नहीं? हाँ, बराबर एवरेज प्राइस। तो ऐसी एमबीए करके अगर इंडिया में एमबीए कर लेगी अगर, तो यहाँ पर अपने घर की घर रहेगी, इनकम भी चल रही है और साथ में आपकी डिग्री भी चल रही है, एक्सपीरियंस भी होगा, तो टिल द टाइम यू आर 28-29 यू विल बी मैच्योर एंड मच मोर, यू नो, कॉम्पिटेंट टू टेक दोज डिसीजंस के क्या करना है, क्या नहीं करना और कैसे होना है। जहाँ तक बात रही कि कंट्रीज़ की, कनाडा की और अमेरिका की और दूसरी कंट्रीज़ की, आपके पास ऑलरेडी यूरोप के वीज़ा लगे हुए हैं, आप जा चुके हैं, यानी कि आप इटली वगैरह ये घूम चुके हैं, शेंगेन हुआ, एशियन कंट्रीज थोड़े हुए। मेरा 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 दावा ये है कि अगर आपके पास इनकम चल रही है और अगर वो एमबीए करे और आप भी जो कुछ काम करोगे आपकी भी इनकम जनरेट हो रही है, होगी आगे भी, आपको यूएस का और कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा आसानी से ऐसे ही मिल जाएगा। तो जैसे आपने क्रूज ट्रिप लिया है यूरोप का, तो वैसे हो सकता है कि आपको अमेरिका और कनाडा का क्रूज ट्रिप आप 1-2 साल बाद वैसे ही ले लेना, घूम के आ जाना, देख लेना क्या हो रहा है, एटलीस्ट यू हैव अ ट्रैवलिंग हिस्ट्री कंट्रीज, और इन फ्यूचर जब भी आपको एक्सप्रेस या स्टडी वीजा भी जाना है तो उसके लिए वो रास्ते खुल चुके होंगे, आसानी हो जाएगी। अब आप ये बताएं आपको क्या सवाल है मेरे से, और आपकी वाइफ से पूछे उनको क्या सवाल है इसके बाद। जी, तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम एक्चुअली वेरी मच सेटिस्फाइड विथ योर एडवाइस, आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्ट एडवाइस, क्योंकि नॉर्मली दूसरे कंसल्टेंट्स आई डोंट थिंक दे आर ऑनेस्ट, वो सिर्फ फ्लो के साथ पैसे के खातिर वो जो जैसा फेवरेबल लगता है वो कहते जाते हैं, लेकिन आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक टू इन टर्म्स ऑफ ऑनेस्टी, दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट इन द लास्ट कॉल। Okay. अभी क्वेश्चन ये है, आपने जैसा एडवाइस किया है कि एमबीए इंडिया में कर यहाँ से जॉब एक्सपीरियंस लेकर बाय द एज ऑफ 28-29 वी कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर पीआर थ्रू इंडिया, ओके, वो तो मैं समझ गया हूँ। एज एन ऑप्शन, एज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन, इज इट पॉसिबल, इज इट एडवाइजेबल, आई वुड फ्रेम दैट क्वेश्चन एज, टू डू अ मास्टर्स इन यूके मेरे वाइफ के लिए, विल दैट बी एडवाइजेबल
इफ शी कैन अफोर्ड इट, या वो फिर मुश्किल हो जाएगा कि यूके का लगना या मेरा जाना। मैं आपको आंसर दे देता हूँ उसका। देखिए ऐसा है, विदाउट एक्सपीरियंस, देखिए ऐसा है, यू हैव सम सेविंग्स इन लाइफ, आपके पास कुछ सेविंग्स हैं, आपके पास पैसे पड़े हुए हैं। आई डोंट वांट टू टेल पीपल हाउ मच मनी यू हैव, बट यू हैव सफिशिएंट सेविंग्स। आपको एमबीए करना ही है तो जरूरी है धक्के खाने आपको इंग्लैंड में जाके, यूके में जाके एमबीए करना। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग एमबीए इन यूके? अगर आपको बाहर की कंट्री में रहना ही है तब तो ठीक है, बहाना अच्छा है कि हमने यूके से एमबीए कर लिया। बात सिर्फ यूके की और कनाडा की और बात अमेरिका की नहीं है, बात यह है कि आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटी की एमबीए होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री। Irrespective of the country, दो applicant है। एक इंसान है जो अभी अभी बेंगलोर में रह रहा है, हैदराबाद में रह रहा है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर से MBA करता है, ठीक है? Okay. और दूसरा उसका जो फ्रेंड है वो जाके इंग्लैंड में या कैनेडा में किसी बहुत ही लो क्लास या मिडिल टीयर यूनिवर्सिटी से MBA करता है, उनके उनके फ्यूचर में या उनके एस्पिरेशन में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा एज सून एज दे पास आउट। क्योंकि क्योंकि जो इंडिया से, जिसने इंडिया से IIM से MBA किया है, उसको यहीं से बैठे बैठे जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा है, और हो सकता है कि मल्टीनेशनल पे यहीं से निकलता है। लेकिन जिसने लो ग्रेड यूनिवर्सिटी में MBA किया है, चाहे कनाडा से, चाहे यूके से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, वो वहीं पर धक्के खाते रहेगा। सो फोकस हमारा कंट्री नहीं है, फोकस हमारा क्वालिटी एजुकेशन पे है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया में जो MBA कर रहे हैं लोग, IIM है, और आपके हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, ISB जो उसका नाम है, इनमें एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार एडमिशन मिल गया तो आपकी जिंदगी बन गई। करेक्ट। बाहर की कंट्री में ऐसा नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं किसी को भी, अगर आप कनाडा में आके, अनलेस यू गो फॉर टॉप 5 स्कूल्स, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, UBC है, मैकगिल है, वगैरह वगैरह, यू कैन गो टू द रैंकिंग ऑन गूगल। अनलेस आप इन टॉप MBA यूनिवर्सिटी से अगर आप नहीं MBA करते तो आप वहीं के वहीं धक्के खाते रहोगे। हमारा चक्कर क्या है कि इंडियन लोग जो है, हम लोग को PR चाहिए, हमें MBA से कोई मतलब नहीं है, ना में MBA से मतलब है, ना में नौकरी से मतलब है। वी आर जस्ट बार्गेनिंग आर मनी फॉर PR। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई सिंसियरली एडवाइस सर कि आप अपने पैसे बचाएं। अगर आप इंग्लैंड में भी अगर आप MBA करने जाएंगे तो टिपिकली यू मस्ट बी स्पेंडिंग क्लोज टू, आई एम थिंकिंग एट लीस्ट 25,000 to 30,000 स्टर्लिंग पाउंड्स, रहने का खर्चा, खाने का, ये आना जाना और ट्यूशन फीस वगैरह अटरम सारा, कम से कम आप समझो कि 20 लाख तो कहीं नहीं गया, 20 लाख प्लस, ठीक है? और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके बाद PR कब लगेगी, वी हैव नो आइडिया। As compared to that option, अगर आप इंडिया में ही पढ़ाई करके कंपटीशन में आके यहीं से अगर MBA कर लेंगे 2 साल, मैं नहीं कहता हूँ कि सबका IIM में हो जाएगा। हो सकता है कि कोई छोटे टीयर में हो जाए, आपकी जो यूनिवर्सिटीज बनी है जो साउथ में, यू नो वट एवर, आई डोंट नो व्हिच यूनिवर्सिटीज यू हैव देयर, अगर एक रेगुलर UGC एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी में अगर आपका MBA हो जाएगा तो फिर भी सस्ते में काम हो जाएगा आपका। मेरे ख्याल है कि 2-3 लाख, 4 लाख में आपका पूरा MBA निपट जाएगा। यस, घर के घर बैठे हो, MBA भी हो गया, 2 साल की डिग्री भी मिल गई रिकग्नाइज्ड, आगे नौकरी भी कुछ ना कुछ मिलेगी, कुछ ना कुछ करोगे आगे आगे, एक्सपीरियंस भी हो रहा है। बाय द टाइम यू आर हिटिंग 29 and 30, यू हैव बैचलर्स, मास्टर्स एंड सफिशिएंट एक्सपीरियंस टू गो व्हेरेवर यू वांट। अगर आपको कनाडा जा सकते हो, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ भी जाना है यू कैन प्रीटी मच गो, एटलीस्ट यू हैव एक्यूमुलेटेड सम सेविंग्स एंड यू हैव समथिंग सॉलिड इन योर हैंड। So this is my answer to her. Yeah, one more question, sir. Yes, please. After doing MBA and after getting work experience, if you are filing a PR from India, express entry ke under, agar we are not getting enough CRS score, because usually main calculate kiya tha, it's lower than 450, 460. तो कैसा मिलेगा, लाइक वो क्वेश्चन है मुझे। वो प्रॉब्लम क्या है कि ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है आजकल जो प्रॉब्लम है, क्योंकि कोविड करके और पीछे एक साल से जो अभी 100 साल से जो अनसर्टेनिटी चल रही है ट्रैवल की कनाडा में, इसलिए जो बाहर के जो एक्सप्रेस एंट्री के इनटेक है वो नहीं हो रहे इतने। बट दिस विल नॉट लास्ट फॉर एवर, दिस विल चेंज इन द कमिंग ईयर्स व्हेन द कोविड सिचुएशन नॉर्मलाइजेस, दिस विल चेंज। सो 460 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर।
no matter which country are you from, 460 is a very good score. The only thing that you can do is, I mean, you cannot control how the Canadian government changes its rules or kisne point ko uthayenge kya karenge. We cannot control. Aap jo kar sakte ho, aap wo karo. आपको सिर्फ ये करना है कि अपनी मास्टर्स डिग्री अपने सही रखो, जो जो एक्सेप्टेड है WS से वो सही आपकी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. आपका इंग्लिश आपका 777-8 या उससे हाई अपना रखो. जितने भी पॉइंट आते हैं, चाहे 460 आते हैं, चाहे 465 आते हैं, उतने पर आप रखो, एंड देन होप फॉर द बेस्ट. आने वाले टाइम में एक्सपीरियंस का इनटेक बाहर से होगा और पॉइंट्स नीचे जाने चाहिए. अब कितने जाने चाहेंगे, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट, आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट कि 2 साल बाद क्या होगा, जब आप 3 साल बाद करोगे तब क्या होगा, आई कैन नॉट से दिस. बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज के बाय दैट टाइम यू विल हैव सेव सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स. अगर उसको MBA करने के बाद कोई और कोई अपना काम करते करते कोई और कोई PG डिप्लोमा, कोई और कोई स्पेशलाइज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेज या you know, logistics, or कोई और कोई specialize करना है, तो that option will be open to her anyway, because she is maybe a fresh MBA graduate, और 1 साल का experience करने के बाद भी हो जाएगा, तो उसके study visa के chances going to a higher class course rather than छोटे course में is much higher than to right now in a lower course. So either way, she will be a win-win. If she cannot get into express entry due to changes in express entry policy, or you know, she will have education plus experience plus money in the hand, then she can venture out. Not to forget ke aapke paas already travel history hai achhi, aur by the time you mature a little bit, you will have other opportunities to taking a traveling visa for any country. Aapke paas Europe ke to lage hue hain, aur aap aise karo, you know, stabilize yourself in India for now, because you recently returned from Dubai. To apna apne jo ties stabilize karo India mein. और उसके बाद आई विल नॉट बी सरप्राइज के इवन अमेरिका एंड कनाडा गिव्स यू टूरिस्ट वीजा टू विजिट देम. मे बी यू वांट टू टेक अ क्रूज शिप टू अलास्का और वैंकूवर और समथिंग, एंड दे विल रेडली, बिकॉज़ वी नीड टूरिस्ट, वी वेलकम यू नो गुड यू नो पीपल टू कम एंड अप्लाई फॉर विजिटर वीजा एंड कम हियर एंड स्पेंड द टूरिस्ट डॉलर्स, एंड दे विल गिव यू. तो आपको एक मौका मिल जाएगा अमेरिका और कनाडा देखने का. उसके बाद जब आपके पास पैसे भी हैं, MBA भी है, यू नो प्रेटिंग में सब कुछ है, और आपके पास एक बार आपने कनाडा और US में देख लिया, तो PR इज नॉट अ अनअचीवेबल ड्रीम एट ऑल. ट्रू, या लॉन्ग टर्म गोल है, बट इट इज पॉसिबल. सो लॉन्ग टर्म गोल का ये है कि धीरे धीरे खाओ, गरम गरम खाना खाओगे तो मुंह जल जाएगा. जस्ट टेक इट ईजी, गो स्लो. शी इज प्रेटी यंग राइट नाउ, शी शुड नॉट टेक एनी हिस्ट्री स्टेप. जल्दबाजी में अगर आपने स्टडी वीजा अभी कर लिया, और अगर खुदा ना खास्ता अगर स्टडी वीजा रिफ्यूज हो गया, तो सब किए कराए पे पानी पड़ जाएगा. करेक्ट, सही बात. और बताएं, और क्या क्वेश्चन है आपके? और आपने, आपके थोड़े वीडियोस में मैंने देखा था कि ITR बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट फॉर 2 इयर्स टू शो आपका इनकम क्या है, टैक्स कितना पे कर रहे हैं. वो उससे जरा स्ट्रांग हो जाएगी फॉर लेटर ऑन, जब जी वो भी बिल्डअप कर लेते आना पड़ेगा विथ ईयर्स. जी उसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्या चक्कर है कि जैसे स्टूडेंट है, एक तो स्टूडेंट है जैसे जो हुज स्टूडेंट इज 18-19 और 20 तक स्टूडेंट है, जो अभी 10+2 करने के बाद निकला है, तो उसके पास तो ITR की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास हो सकता है ही इज टेकिंग अ लोन और पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं, तो वो ठीक है. दिस इज अ नेचुरल ग्रेडियंट फॉर हिम टू गो फ्रॉम जो भी अगली एजुकेशन है. लेकिन ऑलरेडी जो जिसके पास ऑलरेडी BBA है, 24+ है, 25+ है, वी एक्सपेक्ट के दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर ओन फीट. उनके पास अपनी कोई प्रूफ ऑफ इनकम है, जैसे आप भी है. जैसे यू आर 30 years old, अगर आपको स्टडी वीजा लेना है तो आपके भी इनकम, वी वांट टू फाइंड आउट के हु इज पेइंग फॉर द एजुकेशन. सो प्रूफ ऑफ इनकम तो स्पेशली जो मैच्योर कैंडिडेट्स हम कहते हैं 30+, उसमें तो प्रूफ ऑफ इनकम बहुत ही एसेंशियल मैं समझता हूँ, क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन मैंने करे हैं, आई थिंक प्रूफ ऑफ इनकम हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इफ नॉट द इम्पॉर्टेंट. सो प्रूफ ऑफ इनकम में हमें क्या चाहिए होता है, जो आइडियल है, आई मीन नॉट एवरीबडी विल हैव इट. आइडियल प्रूफ ऑफ इनकम क्या है कि इफ द पर्सन इज वर्किंग, अगर उसकी वो नौकरी चल रही है, तो उसके पास एक जॉब लेटर होगा, उसके पास एक सैलरी स्लिप होंगी, तो सैलरी भी डिपॉजिट हो रही होंगी अकाउंट में. सैलरी आ रही है तो बैंक स्टेटमेंट भी बढ़ रही है, यू शो बैंक स्टेटमेंट, लिक्विड कैश फंड्स यू नो डायरेक्टली फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड सैलरी. एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, कि आपके पास अगर इनकम है तो देन यू मस्ट बी फाइलिंग ITR. सो ITR गिव्स अ कंसोलिडेटेड फिगर कि इसकी इतनी साल की इतनी इनकम है, इसकी साल की इनकम 5 लाख है, 6 लाख है, व्हाटएवर है. सो दैट इज अ गुड credibility factor, कि इसकी इनकम स्टेबल है.
दिस इज व्हाट वी ऑलवेज रेकमेंड. लेकिन आज के डेट में अगर आपकी वाइफ आज करेगी तो शी हैज नो ITR, शी हैज नो इनकम, नथिंग. आप देखें ना कि कितना बड़ा हैंडीकैप्ट है उसके लिए अभी, क्योंकि अभी उसके पास इनकम इज जीरो. इवन दो शी हैज पैसिव इनकम, आई डोंट काउंट दैट एज अ यू नो रेंटल लैंडलॉर्ड बनके जो इनकम आ रही, आई डोंट काउंट एज 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 अ सॉलिड. आई डोंट गिव दैट रेंटल इनकम एज अ ट्रिपल ए ग्रेड, क्योंकि वो एक वो नहीं है. इनकम भी बंद हो सकती है, क्या हो सकता है, आई मीन इट्स नॉट. और ITR भी फाइल नहीं किया उसने, ITR पे शो भी नहीं किया उसने, तो ये भी नहीं चल. ये जॉइंट बैंक अकाउंट्स का तो इश्यू नहीं है, लाइक दैट्स आई थिंक इट्स बेटर टू हैव अ जॉइंट बैंक अकाउंट लेटर ऑन टू शो द प्रूफ ऑफ फंड्स. या ऑफ कोर्स, यू नो, इफ द स्पाउस इज अकंपनिंग, अगर वो स्टडी वीजा ले रही है और हस्बैंड जा रहा है साथ में, तो जॉइंट बैंक अकाउंट इज द आइडियल. ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ये सिर्फ ये बैंक अकाउंट का, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बैंक अकाउंट सिंगल हो या जॉइंट हो, दैट हैज हार्डली एनी ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस इफ द हस्बैंड एंड वाइफ डू नॉट हैव सेपरेट प्रूफ ऑफ इनकम. ऐसा नहीं है कि भाई जॉइंट बैंक अकाउंट है तो एक के पास इनकम है, दूसरा अनएम्प्लॉयड है एंड वाइस वर्सा. तो जैसे स्टूडेंट का तो ठीक है, उसने खर्चा कर दिया, पैसे दे दिए, GIC दे दिया वगैरह, सब शो कर दिया. लेकिन जो दूसरा जो स्पाउस है जो कंपनी कर रहा है, उसके पास अगर इनकम नहीं है, तो दैट विल बी अ वेरी वीक फैक्टर, दैट विल पुल द एप्लीकेशन डाउन. राइट, आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस थे, बट मोस्टली क्वेश्चंस तो बिना पूछे ही आपने आंसर कर दी. या यू नो, आई टेक प्राइड, लुक, आई टेक प्राइड इन गिविंग यू आंसर्स, नॉट रीडिंग फ्रॉम अ बुक, बट माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड माय सेंटिमेंट अबाउट द एप्लीकेशन. जब कोई एप्लीकेशन मेरे पास आती है, तो मेरे को उसकी जो नबज़ है, मैं नबज़ पकड़ के देखी, जैसे नबज़ देखते हैं ना, बुखार देखते हैं, तो मेरे को उसकी मैं नबज़ मेरे को पता लग जाती है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर कितनी चीज़ छुपी हुई है, कितनी बाहर है, इसको वीज़ा ऑफिसर कैसे देखेगा, और इसको इसका असेसमेंट कैसे होगा. सो आई हैव अ गुड वे ऑफ जजिंग द बाय यू नो बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बैलेंस इसके एप्लीकेशन को कहाँ जाने वाला है. सो And I talk from my heart, and that's and this is the secret of my happiness. Yes, I think pretty much that's it. We got all our answers, and I really appreciate your time and honesty. I think I'm very much satisfied with whatever answers you've given, because I was not expecting. I thought maybe we'll get some alternate options, aisa kuch. But aapne jo answers diye na, aisa nahi dikha ki arey aisa kyun, aisa kyun. 100% spot. और दूसरी बात एक्चुअली क्या है कि आई वॉन्ट टू थैंक यू एंड योर वाइफ एक्चुअली इस अदर वे राउंड, क्योंकि जो आपने इस मौजू पे आपने जो बात करने का हमें चांस दिया, इस टॉपिक को आपने इसको लाया यहाँ पर इसमें, और यू गेव अ पब्लिक कंसेंट टू डिस्कस दिस, क्योंकि देर मस्ट बी हंड्रेड्स इफ नॉट मोर ऑफ कपल्स हु आर हार्डली अराउंड 24, 25, 26. They are thinking of, immigrating to Canada. Going to Canada is not bad, but you should be ready in what needs to be done. और क्योंकि अगर आपके पास already education नहीं है, इतनी महंगी education को Canada में करना, I think is a terrible waste of resources. And मेरे को दुख होता है कई बार लोग loan लेकर 15 lakh का loan लेकर बड़ी बड़ी महंगी पढ़ाई के लिए, सिर्फ यही attraction है कि Canada में जाके PR हो जाएंगे. It's a worthy goal, but at what cost? यही पढ़ाई अगर आप अपने कंट्री में सस्ते में कर लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, तो नथिंग लाइक इट. सो आपने ये जो मौका दिया मेरे को बात करने के लिए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ. मैं हिंदी में मतलब धन्यवाद करता हूँ आपका, और आई सपोर्ट योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस डिस्कशन. And one more time, I'm greatly thankful to you and your wife for posing these questions to bring them out. You're most welcome. Thank one you. One last question. Bole. Later in future, I believe you will process for filing for PR later on once we get everything in line. I think you help us in filing the PR, right? उसके बारे में मैं थोड़ा वायर
मैं बता दूं क्या है मेरी पॉलिसी क्या है। मैं एप्लीकेशंस, हर तरह की एप्लीकेशन कर सकता हूं और करता भी हूं, जैसे एक्सप्रेस एंट्री हो, पीएनपी हो, वर्क परमिट हो, स्पाउस मैरिज, प्रीटी मच ह्यूमैनिटेरियन। इन द इमिग्रेशन पोर्टफोलियो इन द कनाडा इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट आई एम एलिजिबल टू डू ऑल एप्लीकेशन, प्रीटी मच आई कैन डू ऑल एप्लीकेशन। पर ये मेरी फिलोसफी और आइडियल नहीं रहा है। आई वॉन्ट टू टीच पीपल द लॉ एंड मेक देम अवेयर कि वो क्या है क्या नहीं है। उसके बाद अगर क्लाइंट है जैसे आप हैं, अगर आपको लगता है कि आप खुद नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आई कैन टेक द एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स इट्स मोर रेवेन्यू, आई मीन व्हाई वुड आई नॉट। पर माय कॉन्सेप्ट इज के एक तो पुरानी एक कहावत भी है कि पता नहीं मैं भूल रहा हूँ उसको, कि दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक आदमी को हम जो फिश पकड़ के खिला सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं कि हाउ टू फिश योरसेल्फ सो दैट दे कैन फीड देमसेल्फ। सो माय थिंग इज के आई वांट टू टीच यू, आई वांट टू मेक यू अवेयर। जैसे मैंने आपको अभी अपने कॉन्सेप्ट बता दिए तो आप क्लियर हो गए। सो आई हैव नो डाउट दैट मे बी यू कैन डू इट ऑन योर ओन, और आप दूसरे लोगों को भी बताओगे तो एटलीस्ट द वर्ड विल स्प्रेड एंड यू नो पीपल विल गेट, यू नो इट्स लाइक अ इवेंजेलिकल मैसेज एंड पीपल विल गेट टू नो कि भाई कैसे करना क्या करना। हाँ अल्टीमेटली अगर नहीं होता है तो श्योर मैं तो करता हूँ। आई हैव मोर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट देन आई कैन हैंडल, सो आई एम वेरी सिलेक्टिव इन कि मेरे को कौन सी एप्लीकेशन करनी है कौन सी नहीं करनी है। पर 80 से 90% एप्लीकेशन जैसे आपने कॉल किया तो मैं उनका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ तो आई फील वेरी ग्रेट दैट दे आर ऑन देयर ओन एंड दे कैन प्रीटी वेल मैनेज। बट यस आई कैन टेक द एप्लीकेशन एज वेल। और जो स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होती हैं या जो रिफ्यूज़ल हो चुकी हैं, किसी की पहले हो चुकी हैं, उसके भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे से रिफ्यूज़ नहीं होगी, आई मीन द वीज़ा डिसीजन इज बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन ऑन फैक्ट्स, आई कैन नॉट चेंज दोज फैक्ट्स। उसको तो ये है कि माय चैलेंज इज हाउ टू टैकल द रिजेक्शन। अगर किसी का रिजेक्शन आया तो उसको टैकल कैसे करना है, किस एंगल से उसको बोलना है, किस एंगल से प्रेजेंट करना है, वीज़ा ऑफिसर को क्या समझाना है, दैट इज माय यू नो द एंटायर नेचर ऑफ माय जॉब एंड दैट्स ऑल ऑल राइट। सर ये पीएनपी का क्या सीन है, लाइक पीएनपी इज दिस समथिंग पॉसिबल टू अप्लाई आउटसाइड कनाडा, लाइक इसके वीजे होते हैं, लाइक लोग आते हैं पीएनपी में? या पीएनपी का थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं इंडिया में कंसल्टेंट्स वाला बहुत पीएनपी को बेचते हैं कि पीएनपी हो जाएगा। मेरे को लगता है कि दे आर नॉट कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। पीएनपी का जो सिस्टम जो बना हुआ है, जितने भी प्रोविंसेस के हमारे सिलेक्शन सिस्टम बनाया है कि वो उनका जब डिज़ाइन किया गया था तो वो उनके लिए डिज़ाइन किया गया था कि जो लोग ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे वर्कर्स हैं या और लोग हैं किसी और तरीके से वहाँ पर उस फिजिकली रह रहे हैं, तो उनके पास वहाँ की लोकल एजुकेशन है। जैसे मैं अल्बर्टा में हूँ तो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास ऑलरेडी एजुकेशन है, उन्होंने यहाँ से करी और उसके बाद चाहे एजुकेशन ना भी करी हो वो आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो जो जिनके यहाँ पर टाइज डेवलप हो जाते हैं प्रोविंस से तो उनको एडिशनल पॉइंट्स देते हैं, वो एकदम हाई चले आते हैं मेरिट लिस्ट में। तो पीएनपी सिस्टम उस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, तो हर एक पीएनपी हर एक उसका प्रोविंस का कोटा है, किसी का 2500 है, किसी का 3000 है, ओंटारियो का तो मेरे ख्याल 5-6 हज़ार है शायद, इवन मे बी मोर, आई डोंट इवन नो, मे बी ज़्यादा हो सकता है। तो हर एक का एक कोटा है, कोटे के हिसाब से अपने कैटेगरी वो पिक करते हैं। इसमें जो लोग बाहर से अप्लाई करते हैं, जैसे इंडिया से, चाइना से अप्लाई करते हैं, तो उनके पॉइंट्स बन नहीं पाते इजीली। नॉट टू से कि किसी के नहीं बनेंगे, कुछ लोगों के बन जाएंगे बेस्ड ऑन सर्टेन यू नो ऑक्यूपेशन दे आर टारगेटिंग और सर्टेन थिंग्स दैट दे हैव, मे बी अ पॉसिबल फैमिली मेम्बर हो या कुछ ऐसा कुछ हो, या फ्रेंच बोलते हो, कुछ फैक्टर्स में बन जाएंगे, लेकिन इट के नॉट बी अ यूनिवर्सल सोल्यूशन टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ पीपल हु आर सीकिंग पीआर। तो पीएनपी इज अ वेरी सिलेक्टिव thing and there's absolutely no guarantee. You just make a profile and then you wait your points, that's that threshold. It will not happen if the points don't get close. So कोई भी consultant अगर बोलता है कि आपका जी express entry नहीं होता, मैं आपका PAP करता हूँ, this is absolutely blatant lie. Okay. All right, sir. I think pretty much पूरा questions cover हो गए हैं. आप next time हैदराबाद आएंगे तो मिलना जरूर. सर जी आपने हैदराबाद के बारे में क्या बोल दिया, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ हैदराबाद में आ चुका हूँ, आज से 3 साल पहले आया था, मेरे को एक दो कंपनी यहाँ उन्होंने बुलाया था और आई हैड विजिटेड मैनी यू नो फ्यू प्लेसेस, या आई रिमेंबर हाईटेक सिटी गाची बाउली, आई वॉज लिविंग इन एबिट्स एरिया,
एक और वो एक होटल था, एक कैसल वाला होटल है उसका, पता नहीं क्या नाम है उसका, इज लाइक ओल्ड कैसल होटल है, अमृता कैसल। अमृता कैसल। वी हैड अ यू नो लाइक अ सेमिनार लेक्चर देयर, सो आई हैव ग्रेट मेमोरीज अबाउट हैदराबाद एंड व्हाट इज हैदराबाद विदाउट मेंशनिंग चार मीनार एंड फलकनामा पैलेस एंड वहाँ की जो बिरयानी, बिरयानी। So it's a great place to live, it's a great place to die, and it's one of my favorite cities in India ever, you know, if I have time to visit. So maybe next time we'll see each other there. Sure, sir. Okay, thank you. Take care. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.